नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को इस बहाने से मारा था। 30 जनवरी 1948 की शाम को 5:15 पर गांधी जी प्रार्थना के लिए बिरला हाउस की तरफ जा रहे थे। उनकी आयु और सेहत की वजह से उनके दोनों हाथ मनु और आभा के कंधे पर रहते थे। तभी जाते जाते अचानक से नाथूराम गोडसे गांधी जी के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते बापू। तभी मनु ने कहा, सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, पहले से ही देर हो चुकी है। तभी गोडसे ने 5:17 पर मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्टल गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते उनके सीने को छलनी कर दिया। दो गोलियां तो उनके सीने से होते हुए बाहर निकल गईं और एक गोली उनके सीने में ही फंसकर रह गई और गांधी जी की वहीं पर मौत हो गई।